नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर हमारी क्लासिकल एक्यूप्रेशर की ट्रेनिंग सीरीज में, जिसमें दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं अपने पार्ट नंबर 403 के बारे में। और जिस पॉइंट की दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं, पॉइंट हमारा सीवी मेरिडियन का 4 नंबर पॉइंट। तो दोस्तों पहले हम इसकी लोकेशन जानते हैं, इसकी लोकेशन क्या होती है हमारी बॉडी में, फिर हम इसके बेनिफिट के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों जैसे हमने बताया था, हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के टॉप पे पड़ता है हमारा पॉइंट CV2, ठीक है। तो उससे दो कुंड की दूरी पर, उससे दो कुंड की दूरी पर हमारा पॉइंट पड़ेगा CV4, यहाँ एक कुंड की दूरी पर पड़ता है CV3, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया हमारा आज का पॉइंट CV4। तो बात करते हैं दोस्तों इसके बेनिफिट के बारे में, इसके क्या क्या बेनिफिट है, क्या क्या इसके फायदे हैं, क्या क्या रोग, क्या क्या समस्या इससे ठीक होती है, वो जान लेते हैं। तो नंबर वन पे दोस्तों मेल हर्निया, मेल में हर्निया की कोई भी प्रॉब्लम हो, जितने भी तरह की हर्निया होती है, मेल की हर्निया में आपको ये हेल्प करेगा, ठीक है। मेल इम्पोटेंसी, मेल इम्पोटेंसी, मेल में पुरुषों में नपुंसकता की जो भी प्रॉब्लम हो उसमें आपकी हेल्प करेगा, ठीक है। और यूबी इन्फेक्शन, यूरिन बेडर में किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो, यूरिन बेडर में यानी कि मूत्राशय की थैली, ठीक है, यूरिन की जो है थैली होती है, ब्लेडर होता है, यूरिन ब्लेडर, उसमें आपकी हेल्प करेगा। तो तीन दोस्तों बेनिफिट हो गए, मेल हर्निया, मेल इम्पोटेंसी और यूबी इन्फेक्शन, यूरिन ब्लेडर का इन्फेक्शन। इस तरह की कोई प्रॉब्लम होने पर आप CV4 पॉइंट से ट्रीटमेंट करेंगे। ट्रीटमेंट का तरीका वही रहेगा जिसे हम हर बार बताते हैं, आधा से एक मिनट के लिए इस पॉइंट को प्रेस करेंगे, इस तरह से पॉइंट को दबाएंगे, जो मेन पॉइंट है ये हमारे बॉडी में, उसी मेन पॉइंट पे इस तरह से पॉइंट दबाएंगे, जैसा मैं दबा के बता रहा हूँ, इस तरह से प्रेस करना है। थम से भी कर सकते हैं, हल्का सा जिम्मी से भी कर सकते हैं, वैसे थम से ही काफी प्रेशर आ जाएगा। तो इस तरह से आधा से एक मिनट के लिए आपको इस पॉइंट को प्रेस करना है। अब दिन में एक बार कर सकते हैं खुद, तो पेशेंट को तो एक बार ही करना है, बाकी खुद को करना है, किसी फैमिली मेंबर को करना है, तो आप बार बार भी इसे रिपीट कर सकते हैं, हर एक घंटे का गैप देके। तो इस तरह से दोस्तों आप इन प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जैसे आप ये पॉइंट दबाना शुरू करेंगे, यहाँ पे एनर्जी का सर्कुलेशन होना शुरू होगा और ये प्रॉब्लम धीरे धीरे सबसाइड होने लगेगी। प्रॉब्लम के रूट कॉज पे ध्यान जरूर देना है, अपने डाइट रूटीन को अच्छा रखना है, पानी अच्छा पीना है, ठीक है दोस्तों। इसी तरह से जुड़े रहिए, बने रहिए हमारे साथ, फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई पॉइंट के साथ। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।